नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और आज मैंने ये ड्रेस पहनी है ब्लू कलर की, और ब्लू ही पैंट पहनी मैंने इस पर। और ये भैया यहाँ से व्यू दिख रहा है सामने का, पूरा जयपुर सिटी दिख, हमारे होटल का रूम। और ये जो होटल है ये है हॉलीडे इन, और अरे नहीं मतलब बुक किया था थाईलैंड से ही इस होटल में रूम। ये जो होटल है ना 5 स्टार होटल है, और 5 स्टार के होटल का भाई रूम जो होता है ना इस तरह का होता है। आप तो आज मैं 2 प्लेसेस पर जाने वाला हूँ। पहला जो प्लेस है वो है जयपुर का हवमहल, वहाँ पे भाई रहने को जाना है। और जो सेकंड प्लेस होने वाला है वो है रहने वाला है आमेर फोर्ट, वो जो काफ़ी पॉपुलर फोर्ट है भाई आमेर फोर्ट जो है यहाँ पे जयपुर में। उसके बाद जो है अरण्य को मैं अपने गांव लेकर जाने वाला हूँ, इसको पूरा गांव दिखाने वाला हूँ किस तरह का भाई लाइफ स्टाइल होता है वो देखेगी ये। उसी के साथ साथ जो मेरी फैमिली है, मम्मी है, भाई बहन है, भाभी है, उन सबसे मिल लेंगी। आगरा और जयपुर में ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ का जो पानी है ना वो नम का है। अब जैसे नहाते हैं या अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, स्किन देखो ऐसी हो जाती है, मतलब हार्ड स्किन हो जाती है, और जो हेयर होता है ना बहुत ज़्यादा कड़क से हो जाते हैं, मतलब हार्ड हो जाते हैं। 10:40 हो गए और फाइनली रेडी हो गया। तो मैंने ड्रेस पहनी है अरे भाई, ये ड्रेस है। तो जो मेरे फ्रेंड है कैब वाले, मैंने उनको फ़ोन कर दिया, तो ऑलरेडी आ गए नीचे। तो अभी बस चेकआउट करने वाले हैं यहाँ से, और आई थिंक कहीं बीच में रुक के भाई थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर जाएंगे हवा महल पर, या फिर वहीं पहुँच कर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो पहले फटाफट चेकआउट करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो जो हमारा होटल में रूम था ना, इसमें हॉलीडे इन में 4th फ्लोर पे था। तो अभी पहले लिफ्ट की तरफ जा रहा हूँ भाई, लिफ्ट से नीचे उतरेंगे। तो चेकआउट कर दिया भाई रिसेप्शन वाले एरिया पर जाकर, और अभी बाहर निकल रहे हैं होटल से। दिस दैट वन। तो फाइनली भाई कैब में अपनी बैठ गए और अभी जा रहे हैं पहले हवा महल पे। तो वहाँ पे ना एक कैफ़े है यार, इन्होंने ऑनलाइन चेक किया है, तो उस कैफ़े में जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट करना है, और वहीं से ना कुछ फ़ोटोज़ लेने हैं को हवा महल के। भाई यहाँ पे भी सुबह का टाइम है, तो टेम्परेचर अभी से मतलब ठीक ठाक है, यहाँ पे 36 या 37 का है, और 12-1 बजे तक लगभग 40-45 तक हो जाएगा। महल से लगभग 500 मीटर पहले ना एक पार्किंग है मैं यहाँ पे, तो यहीं पे कार पार्क कर दी है, और सुबह शाम तक की पार्किंग के ये 100 रुपये ले रहे हैं इंडियन रुपीस। तो अभी भाई मतलब पैदल पैदल जा रहे हैं हवा महल पे, क्योंकि हवा महल पे एक कैफे है, वहाँ पे करना है मेरे को ब्रेकफास्ट। फिर यहाँ पे मार्केट है बनी हुई। हवा महल भारत के राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित एक महल है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के सिटी पैलेस के किनारे पर स्थित है, और ज़नाना या महिलाओं के कक्ष तक फैला हुआ है। इस संरचना का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था, जो राजस्थान राज्य के झुंझुनू शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह के पोते थे। वे खेकड़ी महल की अनूठी संरचना से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने इस भव्य और ऐतिहासिक महल का निर्माण कराया। इसे लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। इसकी 5 मंजिलों वाली बाहरी इमारत एक छत्ते की तरह है, जिसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है, और जिन्हें जटिल जालीदार काम से सजाया गया है। जालीदार डिजाइन का मूल उद्देश्य शाही महिलाओं को बिना देखे नीचे सड़क पर मनाए जाने वाले रोजमर्रा के जीवन और त्योहारों को देखने की अनुमति देना था। इस वास्तुशिल्पीय विशेषता ने वेंचुरी प्रभाव से ठंडी हवा को भी गुजरने की अनुमति दी, जिससे गर्मियों में उच्च तापमान के दौरान पूरा क्षेत्र अधिक सुखद हो गया।
कई लोग हवा महल को सड़क के दृश्य से देखते हैं और सोचते हैं कि यह महल का सामने का हिस्सा है, लेकिन यह पीछे का हिस्सा है। फाइनली भाई पहुंच गए हैं हवा महल के फ्रंट गेट पर। बड़ा दुखी कर रहा है फोटोज वगैरह ले रही है यहाँ पे। तो हवा महल पे ना अंदर जाने के लिए एक गेट और है, अगर आपको अंदर से हवा महल को देखना है तो वहाँ पे आई थिंक आपको फीस पे करनी है, देन आप इसके अंदर से भी टूर कर सकते हैं। बाकी सामने जो आप कैफे देख रहे हैं ना, ये काफ़ी पॉपुलर कैफे है। जितना आप लोगों ने इस हवा महल के फोटोज देखे होंगे तो मोस्ट ऑफ पीपल वहीं पर जाके फोटोज लेते हैं, तो वहीं पर हम भी जाने वाले हैं कैफे पर, वाइन व्यू कैफे पर। क्योंकि भाई यहाँ पे ना काफ़ी सारे रिक्शा वाले हैं और काफ़ी सारे टूर गाइड हैं जो आपसे मालूम करेंगे कि हम आपको टूर करा देंगे, और बहुत सारे रिक्शा वाले जो आपसे बोलेंगे कि हम आपको टूर करा देंगे, 300-400 रुपये लेंगे और 3-4 प्लेसेस आपको कवर करवा देंगे। पर देखो, अगर आप लोगों का फिक्स प्लान है कि भाई हवा महल घूमना है या कोई सा फोर्ट घूमना है तो इन चक्करों में मत पड़ना। आपके पास है बाइक है कार है तो बेस्ट है कि उससे आप खुद मतलब बाई सेल्फ ट्रेवल कर सकते हो किसी भी प्लेस पर। यहाँ के कल ना यार आगरा में एक सीन हुआ था, पता है सीन क्या हुआ था? ताजमहल पर हुआ था सीन। मतलब हम जा रहे थे, एंट्री कर रहे थे ताजमहल पे, तो एक टूर गाइड आया भाई, इतना दुखी किया उसने, मतलब उससे मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने वीडियो डाली नहीं, मैंने चल यार अपने इंडिया का नाम खराब हो, मतलब इतना ज़बरदस्ती कर रहा था ना। फिर मैंने उसको बोला, मैंने भाई तू और कहीं समझ रहा है कि मैं भी यूपी से, मैंने ज़्यादा बकचोदी मत कर यहाँ, निकल यहाँ से। उससे मतलब बहुत झड़प हो गई खतरनाक वाली, मैंने उसको बहुत मुश्किल से भगाया। तो भाई यार ये टूर गाइड जो होते हैं ना इस तरह के, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ होते हैं, मतलब रिस्पेक्ट खराब होती है यार, इंडिया की इमेज खराब करते हैं और कुछ नहीं। और यार अन्य मतलब गुस्सा होने लगी थी फिर उस बंदे पर। तो फाइनली भाई जो मैंने आपको कैफेज बताए थे वहाँ पर आ गए हैं हम, और यहाँ पर ना बहुत सारे कैफे हैं। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है खाना, तो मैंने 2 थाली ऑर्डर की है और अरे ने पास्ता ऑर्डर किया है। तो 2 थाली का जो प्राइस है तो वो लगभग 800 रुपये यानी 400 पर पर्सन, एंड जो पास्ता है वो लगभग 300 का है एक पर्सन के लिए। और बाकी यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है हवा महल का, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह से जितने भी कैफेज हैं पॉइंट्स बनाए हुए हैं इन्होंने, और यहाँ पे अगर आप नॉर्मली फ़ोटोज़ लोगे तो यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं पे करना है। बट अगर आप लोग प्री वेडिंग के लिए या वेडिंग के लिए किसी फंक्शन के लिए या कुछ कमर्शली शूट कर रहे हो मूवीज़ वगैरह के, तो यहाँ पर चार्ज लेते हैं लगभग 3,000 से 7,000 रुपये पर आवर के हिसाब से लेते हैं, तो एक्सपेंसिव है। तो हम तो भाई यहाँ पर ऐसे नॉर्मली फ़ोटो शूट करवाने वाले हैं, तो इसकी वजह से सिर्फ 1-2 घंटा बैठेंगे और खाना वाना खा के यहाँ पर नाश्ता करके जाएंगे। और सामने एक फोर्ट है यहाँ से, जैसे आप लोग देख सकते हैं फोर्ट है सामने, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम बट है फोर्ट वहाँ पे। इस तरह का भाई व्यू दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे देख सकते हो पीछे ही मेरे हवा महल। तो यहाँ पर भी कुछ खाना वाना खा लेंगे, ऑर्डर दे दिया है, फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद में आमेर फोर्ट पर जाने वाले हैं। तो लगभग 1 घंटा तो लग जाएगा यहाँ पर, और टाइम भाई अभी 12 बज गए हैं, तो धूप अच्छी हो चुकी है यहाँ पे, मतलब धूप ठीक ठाक होनी शुरू हो गई है। यही है भाई थाली जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर की थी। तो देखो इसमें रसगुल्ला दिया है, दही है, ऑनियन है और मिक्स वेजिटेबल है, पनीर है, चावल है, रोटी और पापड़ है, और ये रेस्टोरेंट है भाई पूरा यहाँ पे। तो मैंने एक ही थाली ऑर्डर की है अपने अरन्य के लिए, क्योंकि अरन्य को पास्ता भी खाना था, तो मतलब सही है, काफ़ी है ये गुड। ओके, पर जैसे अपने भाई पेप्सी लेना साथ थोड़ी महंगी है, गिलास में दी उन्होंने और 100 रुपये की भाई एक पेप्सी है। फाइनली जो हवा महल है वहाँ पे भाई घूम घाम ली है, और जो कैफ़े है भाई वहाँ पे बिल मतलब ठीक ठाक बैठ गया, लगभग 2,000 रुपये का हो गया है नाश्ता वास्ता वहाँ पे खाना सब। बाकी ये है हवा महल यहाँ पे, और अभी जा रहा है आमेर फोर्ट। तो आमेर फोर्ट जो यहाँ से है लगभग 7 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, मैंने लोकेशन पर चेक किया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्शा ही भाई चलते हैं, रिक्शा वगैरह से आपको जान तो रिक्शा वगैरह से जा सकते हो, बट अगर पर्सनल व्हीकल है तो उससे आप चले जाना, वो ही बेस्ट है।
सामने आमेर फोर्ट है और यहाँ से ना पार्किंग वाले थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा वहाँ तक मैं एंट्री तक, और फिर ऊपर जाके फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह भी ले सकते हो। आमेर किला भारत के राजस्थान के आमेर में स्थित एक किला है। आमेर 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक शहर है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और यह एक पहाड़ी पर स्थित डॉट यह जयपुर में प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आमेर किला अपनी कलात्मक शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है। अपने बड़े प्राचीर और द्वारों और पक्के रास्तों की श्रृंखला के साथ किला माउटा झील को देखता है। आमेर महल राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी कुछ इमारतों और कामों पर मुगल वास्तुकला का प्रभाव है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित आकर्षक भव्य महल 4 स्तरों पर बना है, जिनमें से प्रत्येक में एक आंगन है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास या शीश महल या जय मंदिर और सुख निवास शामिल हैं, जहां महल के भीतर पानी के झरने के ऊपर बहने वाली हवाओं द्वारा कृत्रिम रूप से ठंडी जलवायु बनाई जाती है। यह महल जयगढ़ किले के साथ उसी अरावली पर्वतमाला की चील का टीला ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। महल और जयगढ़ किले को एक ही परिसर माना जाता है क्योंकि दोनों एक भूमिगत मार्ग से जुड़े हुए हैं। यह मार्ग युद्ध के समय में भागने के मार्ग के रूप में बनाया गया था ताकि शाही परिवार के सदस्य और आमेर किले में रहने वाले अन्य लोग अधिक खतरनाक जयगढ़ किले में जा सकें। तो भाई फाइनली आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं और गर्मी है अच्छी खास यहाँ पे, तो वैसे मैंने टिकट विकेट लिया नहीं अभी तक तो, और ना ही भाई कोई टूर गाइड लिया, क्योंकि यार यहाँ से नीचे से फोटो खींचने हैं और सामने देखो स्टेयर्स बहुत सारे हैं ऊपर जाने के लिए फोर्ट पर। तो भाई आमेर फोर्ट और हवा महल मैंने अरण्य को घुमा दिया है और अभी सीधे अपने गांव जा रहा हूँ लेकर अरण्य को, क्योंकि अरण्य को मिलना है फैमिली से, मम्मी से मिलना है और घर वालों से मिलना है अरण्य को। तो भाई अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज गए और गर्मी तो भाई बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, इसी रीज़न की वजह से मैंने सिर्फ अरण्य को यहाँ पर एक ही दिन घुमाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज गए और यहाँ से जो भाई जो मेरा गाँव है वो है लगभग 450 किलोमीटर यहाँ से जयपुर से। तो गूगल मैप पर लोकेशन डाल दिए गांव की, यहाँ से टोटल 7 घंटे दिखा रहा है बट ऑलमोस्ट 6 घंटे पहुँच जाएंगे यहाँ से। और भाई मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया कि खाना वाना रेडी कर लो अरण्य के लिए, चिकन वगैरह कुछ बना लेना, चपाती रोटी, क्योंकि हम शाम तक मतलब रात तक पहुँच जाएंगे, 8 से 9 बजे तक के बीच पहुँच जाएंगे। और बाकी एक दिन काफ़ी अरण्य थे यहाँ जयपुर में, और बाकी भी अरण्य बोल रही कि कश्मीर वगैरह घूमने मनाली पर वहाँ भी टाइम नहीं, क्योंकि उसी 5 से 6 दिन के लिए आई है तो शायद नैनीताल वगैरह ये सब माना है।